वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर्स का ही कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बताए थे, एटम्स क्या होती है, मॉलिक्यूल्स क्या होती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंस दोनों में, उसके साथ ही साथ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। तो आज हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ही एक पार्ट सा आयंस, ठीक है, आयन, यही आयंस की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक्स है आयंस, वेरी इम्पोर्टेंट है, आयंस को जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंपाउंड कॉन्टेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कॉन्टेन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, बताई गई है इसमें। कंपाउंड कॉन्टेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट कॉन्टेन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वह मेटल्स और नॉन मेटल के मिलने से ही बनते हैं। तो जो कंपाउंड होती है, ठीक है, जो एलिमेंट्स होती है, एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ चार्ज पाया जाता है। एन आयन इज द चार्ज पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ए पॉजिटिव चार्ज आयन्स इज कॉल्ड कॉन्सन एंड नेगेटिव चार्ज आयन्स इज कॉल्ड अनायन, ठीक है। तो आपको पता चल गई होगी कि जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात वैलेंसी की करें, वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, या कह सकते हैं वही चीज़ है कि भाई जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी अपनी अलग अलग वैलेंसी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सम कॉमन आयंस एंड देयर वैलेंसीज, आपके यहाँ पर कुछ बने हुए हैं, वैलेंसी है, नेम ऑफ द आयन है, सैम्बल्स है, नेम ऑफ द आयन है, ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। वैलेंसी वन सोडियम आयन को इंडिकेट करने के लिए Na प्लस लिखते हैं, ये है सोडियम आयन, ठीक है। पोटेशियम वैलेंसी इज वन, सिंबल ऑफ के प्लस। सिल्वर वैलेंसी इज वन, सिंबल Ag प्लस। नेक्स्ट कॉपर वैलेंसी इज वन, सिंबल ऑफ Cu प्लस। मैग्नीशियम वैलेंसी इज टू, Mg2 प्लस। कैल्शियम वैलेंसी इज टू, सिंबल्स ऑफ Ca2 प्लस। जिंक वैलेंसी टू, इंडिकेट ऑफ द सिंबल Zn2 प्लस। ये होता कैसे है मैं बताना चाहता हूँ। तो आपको याद होगा, हमने बताए होंगे कभी कि कंपाउंड बनता कैसे। ऑल एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्टस रूल्स को फॉलो करते हैं। सपोज दैट दिस इज Na,
ठीक है, ये सोडियम है। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। तो देखिए ऑक्टस बनाने के लिए यह वन इलेक्ट्रॉन को, वन जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। तो इसकी भी हमने रूल्स बताए थे कि गेन या लूज करने की जो कैपेसिटी है एलिमेंट्स का, एटम्स का, वह 3 तक ही है, ठीक है। देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो शो कर रहा आउटर मोस्ट सेल्स में जो बचा हुआ है, ठीक है, थर्ड सेल में वन इलेक्ट्रॉन है, या अगर वन इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर देता है तो ये देखिए ऑक्टस बना लेगा 8, है ना, तो माइनस वन ही लिखेंगे, इसे क्या करेंगे, वन ही लिखेंगे। अब इसके पास क्या बच गया, उसने लूज किया है ना, तो लूज करने वाले पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, और इसके पास अब कितना 10 ही एटम्स बचे, इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, क्योंकि इसने ऑक्टस रूल को फॉलो किया। अब कह सकते हैं सर ये गेन नहीं कर सकता है, कर सकता है, अगर गेन करने के लिए उसको कितने भी 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत बड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो हो ही नहीं सकता है, हमने बताया 3 तक ही होती है। तो इस तरह से Na एलिमेंट का एटम, ये आयन है Na+, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम, तो इस तरह से हम देखते हैं क्लोरीन का Cl, एटॉमिक नंबर कितनी होती है 17 होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, देखिए जुड़िए 17 आ रहा है ना, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों का गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का करेगा, तो क्या बनाएगा Cl- यानी क्लोरीन नेगेटिव आयन में रहता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, गेन कर लिया ना, तो ऑक्टस बन गया, अभी कितना हो गया 288 हो गया, क्या हो गया ना। तो इस तरह से आयंस बैलेंसी के अकॉर्डिंग ही बनती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिंक है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट एट्सेट्रा, बहुत सारे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपको दिखाई यहाँ पर दे रही है बैलेंसी के अकॉर्डिंग ही ये आयंस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा कि बैलेंसी कैसे फाइंड किया जाता है, बैलेंसी फाइंड करने के लिए हमने आपको बताए थे, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट है उसका बैलेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं 8, राइटिंग केमिकल फार्मूला। हम ये बहुत इम्पोर्टेंस है, हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो है हम केमिकल फार्मूला को लिखें। इसे लिखने के लिए बहुत आसान है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने 4.1, 2, 3, 4 कुछ हमने यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, राइट द सिंबल्स फार्मूला ऑफ द एलिमेंट और आयंस सो दैट द सिंबल ऑफ द मेटल और पॉजिटिव आयंस
is one, the left hand symbol formula of the nonmetal of negative ion is of the right. हमेशा याद रखना है कि जो सैम्बल्स जो हम लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स का, मेटल्स का जो रहेगा वो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा और नॉन मेटल का जो रहेगा वो राइट साइड लिखी जाएगी, हमेशा याद रखना है. सेकेंड, राइट द बैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आयंस बिलो द एलिमेंट्स और आयंस. आपको बैलेंस जो है एलिमेंट्स का और नीचे उसके जो सिंबल लिखते हैं उसके जस्ट नीचे लिखनी है. थर्ड है क्रॉस ओवर द बैलेंसेस ऑफ द कंबाइनिंग आयंस. इसके बाद जो है क्रॉस बैलेंसी का क्रॉस जो है कंबाइनिंग करानी है. फोर्थ, पोलियो एटॉमिक आयंस शुड बी इनक्लोज इन द ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द फार्मूला. अगर पोलियोटोमिक आयंस रहेगा तो उसे हम ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे. बताना चाहते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पर फोर टॉपिक्स जो हमने बताया कि किस तरह से हमें केमिकल फार्मूला को लिखना चाहिए, ठीक है, तो कैसे लिखनी चाहिए इसके बारे में हम बताना चाहते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल्स, वन फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को हमको लिखना है. हाइड्रोजन अगर हमको लिख दिया जाएगा सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा भाई, आप लिख कर बताइए. तो पहले हम ये जानना चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन कंबाइन ऑफ द क्लोरीन, ठीक है, तो H है और Cl है, हमारे पास दो एलिमेंट है कि नहीं है, एच और Cl है. तो पहले करना चाहिए कि हमें सैम्बल्स को नोट करना है. जैसे हमने H लिखा, बताया था ना कि सैम्बल्स जो मेटल्स का लिखना है लेफ्ट साइड में और नॉन मेटल का राइट साइड में, और यहाँ क्या लिख दिए हम Cl. हाइड्रोजन का बैलेंसी कितनी होती है, आप कहेंगे सर वन हुआ. क्लोरीन की कितनी होती है, वन हो गया, ठीक है, सेकेंड स्टेप फॉलो हो गया. उसके बाद क्या बोला गया था, क्रॉस ओवर द बैलेंस ऑफ द कंबाइनिंग आयंस, उसके बाद क्रॉस ओवर करनी है, ठीक है. तो क्रॉस ओवर करते हैं तो क्या हमारा लिखा है, एच सी एल लिखा है कि नहीं, एच सी एल. तो यही आपका हो गया फॉर्मूला किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का. किसका हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का, क्योंकि यहाँ वन है ना, बैलेंसी कितनी है वन, तो वन को नोट नहीं करनी है, टू से नोट होता है, वन वाले बैलेंसी वालों को नहीं शो करना है, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर ऑफ टू ऑप्शन की अगर बात करते हैं हम, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेकंड में बोला है फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड. तो अगर बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो देखो हाइड्रोजन यानी हमारे पास एच एलिमेंट है, सल्फाइड सल्फर एस हो गया, देखिए ये मेटल्स हो गया और ये नॉन मेटल्स हो गया, गैस में है लेकिन इसको आयंस पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन का, इसलिए फर्स्ट में आता है ये. हाइड्रोजन का कितना हो गया, वन हो गया. सल्फर का कितना हो गया, टू हो गया. अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ करते हैं, तो क्या हो गया H2S, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का, समझ में आया. ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के कंबाइन से ही बना है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम Mg और क्लोराइड यानी Cl, ठीक है, तो Mg का बैलेंस है टू, क्लोरीन का वन, क्रॉस कर देना है तो क्या हो गया Mg Cl2, Mg Cl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो गया फार्मूला हो गया, ठीक है. हमने बताया था ना अभी
कि करना क्या है, जैसे ही आप फार्मूला लिखोगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सैम्बू लिखिए, जैसे कि यहाँ पर सैम्बू लिखा हुआ है, सैम्बू में क्या हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, उसका वैलेंसी लिखे दोनों का, तो हाइड्रोजन का भी वन वैलेंसी और क्लोरीन का भी वन वैलेंसी हो गया, क्रॉस ओवर करिए फार्मूला सीएल हो गया, ठीक है। सेम सेकंड में भी वही बात है, हाइड्रोजन का वन वैलेंसी और सल्फर का टू वैलेंसी, क्रॉस करिए तो H2S हो गया। थर्ड में भी है, मैग्नीशियम का टू वैलेंसी और क्लोरीन का वन वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस ओवर करना है तो MgCl2 हो गया। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो कार्बन की बात किया जा रहा है, तो सी का कितना बैलेंसी हो गया, 4 हो गया। क्लोरीन की बैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्रॉस ओवर करना है, ठीक है। क्रॉस ओवर जैसे हम करेंगे तो CCl4 हो गया, ये हो गया किसका फार्मूला, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला हो गया। तो आपको समझ में अब आ गई होगी कि कैसे हम किसी भी जो है फार्मूला को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 है, फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है, फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की बात की जा रही है, तो कैल्शियम, तो चलिए कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या हो गया, Ca हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, O हो गया, तो कैल्शियम की बैलेंसी 2, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 हो गया, तो क्रॉस ओवर करेंगे तो क्या हो गया Ca2O2। तो देखो दोनों की क्या एटोमिसिटी सेम है, तो सेम होने पर क्या लिख देंगे, इसे CaO लिख देंगे, ये हो गया किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया, ठीक है। 6 में हम देख पा रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात की जा रही है, फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, 4th 6 है ये, फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो सिंबल ऑफ एल्युमिनियम Al एंड ऑक्सीजन ऑफ O, तो बैलेंसी ऑफ द एल्युमिनियम इज 3 एंड बैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज 2, क्रॉस ओवर ऑफ द एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन ऑफ द बैलेंसी Al2O3, तो ये फार्मूला इसका हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 7 की बात करते हैं, फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, तो सिंबल ऑफ Na या फार्मूला नाइट्रेट NO3, तो क्रॉस ओवर कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो क्या हो गया NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन नंबर 8, फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैल्शियम ऑफ द बैलेंस इज 2 एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ द बैलेंस इज 1, ठीक है। तो क्रॉस ओवर ऑफ द, तो Ca(OH)2 ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है खुद से सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, फार्मूला ऑफ अमोनियम, ये सब का जो है फार्मूला आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं 9, मॉलिकुलर मास या फार्मूला यूनिट मास। हमने इसके बारे में भी पिछले कक्षाओं में जो है, पिछले वीडियोस में जो है, हमने कुछ ना कुछ डिस्कशन किए थे। टॉपिक नंबर 9, द मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन मॉलिकुलर ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिकुलर मास इज एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट यू। एग्जांपल ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर, वाटर का देखो मॉलिकुलर मास फाइंड करना है तो क्या करेंगे,
तो पहले तो है, हमें बोला गया है कि भाई मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर बताइए, तो ये हमेशा याद रखना है इसका मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ एच, एच का एटॉमिक मास कितनी होती है, 1 होती है। एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होती है। तो मॉलिकुलर मास ऑफ H2O, H2O देखो तो H का कितना हो गया, 1 हो गया। एटॉमिक मास कितनी होगी, 1 हो गई ना, और उसका एटोमिसिटी कितनी थी, 2 थी, प्लस O का कितना है, 16 है, तो यहाँ 16 लिखा जाएगा, बाय मिसिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे, 1 × 2 + 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 16 = 18U, क्या 18U आ गया ना। तो आप देख पा रहे हैं आपका जो है वाटर का मॉलिकुलर मास 18U होती है, दिख रहा है। उसी तरह से मॉलिकुलर मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का भी मॉलिकुलर मास आप बता सकते हैं। तो पहले ये देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन 1U, एटॉमिक मास ऑफ द N 14U, एटॉमिक मास ऑफ द O 16U। द मॉलिकुलर मास ऑफ द HNO3 इज इक्वल टू, आप उसको पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो कितना आ गई है, 63U आ गई, ठीक है। तो इस तरह से है मॉलिकुलर मास फाइंड आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। ए मोल ऑफ द सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन्स इन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ द कार्बन। द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 इज 6.022 × 10²³, ठीक है। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर ऑफ एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट। देखो ये जो है आपको बताया गया है कि ये एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 6.022 × 10²³ इज द एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट। अब मोल कॉन्सेप्ट, टू थिंग्स, मोल कॉन्सेप्ट जो है दो चीज़ों पर निर्भर करता है। फर्स्ट पॉइंट है इट रिप्रेजेंट इन द डिफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन इक्वल टू 6.022 × 10²³। सेकेंड पॉइंट इट रिप्रेजेंट इन द डिफिनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूल्स मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। ये दो नंबरों पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप नेक्स्ट में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट का जो होता है ग्राम एटॉमिक मास में कैसे की जाती है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन द ग्राम्स। सपोज दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्राम में एटॉमिक मास कितना होगा, तो O2 होता है इसका एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फार्मूला, तो 16 × 2 यानी 32 ग्राम हो गया, ठीक है। वहीं अगर बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड की बात करें, तो ग्राम मॉलिक्यूल मास ऑफ द कंपाउंड इज इट्स मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन द ग्राम, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। तो H2O में कितना, 18 ग्राम होती है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल को एन से, मास एम, मोलर मास कैपिटल एम, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन एंड एवोगाड्रो नंबर NO, एवोगाड्रो नंबर NO है, ठीक है। तो ये रिलेशन है N इज इक्वल टू एम अपॉन एम, N इज इक्वल टू N अपॉन NO एंड M इज इक्वल टू N इंटू N। तो ये रिलेशन है एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।